गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस कैसे होता है बॉडी में वो भी देखा था, और क्या क्या कॉजेज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस के वो भी डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और उनके फंक्शंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में। सबसे पहले रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। जैसा कि हमको पता है कि द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन कॉन्स्टेंट इन बॉडी फ्लूड। जो भी बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट या इंट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हमेशा रहता है। जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जब भी कोई पर्सन या किसी भी पर्सन के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इन कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है या कंसंट्रेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उस केस में हम एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब बाहर से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में इन इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। कोई भी पर्सन है, वो अगर सर्जरी के दौरान उस सर्जरी कोई परफॉर्म हो रही है, या वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए इल है या अनडिज़ायरेबल कंडीशन में है, वाटर की कमी हो जा रही है बॉडी में, उस केस में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और उस कमी को जब बॉडी अपने आप नहीं पूरा कर पाती है उस केस में एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स को दिया जाता है बॉडी में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। अब वेरियस कंडीशंस हैं, ढेर सारी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी अपने आप से इस इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाती है। जैसे कि एक्सीडेंट के केस में, या हीमोरेज, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है उस केस में, या कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही है उस केस में इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सटर्नली दिया जाता है या इलेक्ट्रोलाइट्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, या बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है GIT इन्फेक्शन की वजह से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन है उसकी वजह से वोमिटिंग, डायरिया या डिहाइड्रेशन हो रहा है, उस केस में भी हम रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं। या कोई ऐसी ड्रग कोई पर्सन खा रहा है जिसकी वजह से किसी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, सच एज कि थायराइड और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की एक कैटेगरी होती है थायराइड या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इन ड्रग्स को लेने की वजह से लॉस होता है पोटेशियम आयंस का, उस केस में भी रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम यूज़ करते हैं। या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से एल्कलोसिस या एसिडोसिस हो जाए, या लास्ट वन इज़ डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल आयंस। किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी कारणवश अगर किसी इसेंशियल आयंस की या जो मेजर आयंस प्रेजेंट है बॉडी में उनकी कमी हो जाए या वो एलिमिनेट हो जाए, उस केस में भी हम रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं, सच एज हाइपोनैट्रीमिया, सोडियम आयंस की कमी हो जाए, या हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम आयंस की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, या मैग्नीशियम की कमी हो जाए, उस केस में भी हम रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं। अब मेनली जैसे कि जब भी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अगर सभी की कमी हो रही है, सच एज इन द केस ऑफ डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इन केसेस में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सभी की कमी होने लगती है, उस केस में हम टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान, जिसमें कि सबसे पहला है अ सॉल्यूशन फॉर रैपिड इनिशियल रिप्लेसमेंट, ताकि इनिशियल स्टेज पे जिस सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। इस सॉल्यूशन में सोडियम का कंसंट्रेशन होता है 130 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड का होता है 98 to 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बाइकार्बोनेट का 28 to 55 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है पोटेशियम का, और 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है कैल्शियम का, एंड 3 इक्विवेलेंट पर लीटर होता है मैग्नीशियम का। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है जिस इनिशियल रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन का, ये रिसेंबल करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब ये जो सॉल्यूशन
का हम कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आयंस इसमें रख रहे हैं क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, उनका कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है, या उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस सॉल्यूशन में। सो जब भी ओवरऑल सारे ही इलेक्ट्रोलाइट्स का की कमी होगी, सो उस कंडीशन में हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में ही हम इस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, इस सॉल्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बॉडी में। सेकंड है सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब बाद में जो सॉल्यूशन हम देंगे वो होता है द इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें जो कंपोजिशन होता है सोडियम का 40 to 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड का 30 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 16 to 53 बाइकार्बोनेट का, 16 to 35 होता है पोटेशियम का, और 1 to 15 होता है कैल्शियम का, और 3 to 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है मैग्नीशियम का, और 0 to 13 होता है फॉस्फोरस का। सो मेनली जब सारे ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो उस केस में हम 2 टाइप्स का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, एक इनिशियल रिप्लेसमेंट के लिए जिसका कि कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन होता है वो रिसेम्बल करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन के साथ, और सेकेंड स्टेज में मतलब बाद में हम सब्सिक्वेंट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जो जिसका ऐसे सोल्यूशन का यूज़ हम बाद में करते हैं इनिशियल सोल्यूशन देने के बाद। अब जब किसी पर्टिकुलर आयंस की कमी होती है, सच एज रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम, सोडियम आयंस की जब कमी होगी तो हम सोडियम क्लोराइड, या क्लोराइड आयंस की कमी होती है तो हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, इनके प्रिपरेशंस का यूज़ करते हैं। सो चूँकि सोडियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयन है, सो इस वजह से अब सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो NaCl, मॉलिकुलर वेट 58.5 ग्राम पर मोल, सिनोनिम्स इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, नेचुरल सोर्स प्रकृति में हमको सी वाटर में मिल जाता है, जो समुद्र का पानी होता है उसमें भी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, या रॉक सॉल्ट होते हैं उनमें भी सोडियम क्लोराइड का कंटेंट प्रेजेंट, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड का कोई प्रिपरेशन बनाएंगे तो इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ NaCl कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, लेबोरेटरी स्केल पे सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर होता है जो कि डिसॉल्व होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें ही, और इसको आइसोलेट करने के लिए या इसको निकालने के लिए जो वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाटर का भी फॉर्मेशन होगा तो वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको हम इवेपोरेट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। सेकेंड इंडस्ट्री स्केल पे जब लार्ज स्केल पे हमको सोडियम क्लोराइड बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं सलाइन वाटर को या सी वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं सी वाटर को का सी वाटर डिपॉजिट करके उसका इवेपोरेशन करवाते हैं, जो जो भी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है सी वाटर में वो सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाता है, या सेकेंड है रॉक सॉल्ट को हम प्योरीफाई करते हैं। सो ये दो मेथड है इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम क्लोराइड कलरलेस होता है, वाइट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसके बाद ओडरलेस होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है इसका, सॉल्युबल होता है वाटर में बट इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और जब भी हम सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे सो हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्यूशन में जिस मतलब जब हम रिएक्शन करवाएंगे, बट अगर उस सॉल्यूशन में हम अमोनिया ऐड करते हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यूजेस। सो सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं जब भी बॉडी में सोडियम या क्लोराइड आयंस की कमी होती है तब यूज़ करते हैं।
0.9% सोल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का होता है वो आइसोटोनिक होता है ब्लड से, मतलब उसका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन सेम रहता है। इसलिए इसको वेट ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब भी इंजरी होती है तो ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, या जो वुंड होता है उसको साफ़ करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एलोन और इन कम्बिनेशन विद द सॉल्ट और ग्लूकोज व्हेन बॉडी फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इज डिप्लीटेड। सो सोडियम क्लोराइड का हम दूसरे सॉल्ट्स के साथ, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड या ग्लूकोज के साथ भी हम यूज़ करते हैं बॉडी फ्लूड या इलेक्ट्रोलाइट का, जब कमी हो जाती है बॉडी में, डिप्लीटेड हो जाते हैं, मतलब जब बॉडी में कमी हो जाती है, सो इन सॉल्यूशंस का हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। सो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शर होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद फिर व्हेन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज़ गिवन ओरली, सो एक यूज़ ये भी है कि जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे ओरली, मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन का, अगर हम NaCl के ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम ओरली दे रहे हैं तो वो क्या करता है, वोमिटिंग इंड्यूस करता है। सो जब ये वोमिटिंग इंड्यूस करेगा, इस वजह से इसको हम पॉइजनिंग के फर्स्ट एड की तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया, वोमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, क्योंकि इसको हम टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे, ड्राई प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से इसको हम टाइटली क्लोज कंटेनर में रखेंगे। अब जो टेड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं सोडियम क्लोराइड की, उसमें सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड आई लोशन, जो कि कंटेन करता है 0.85 to 0.95% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिल्टर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फाइनल कंटेनर में, और अवॉइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, और फाइनली हम इसको स्टरलाइज करते हैं बाई हीटिंग इन ऑटोक्लेव। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि कंटेन करता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, प्रिपेयर्ड इन प्योरीफाइड वाटर। यहाँ हम इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद क्लेरिफाइड करते हैं बाय फिल्ट्रेशन करते हैं, ताकि कोई भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर सकें। व्हेन नॉर्मल सलाइव इज प्रिस्क्राइब देन अबव सॉल्यूशन इज डिस्पेंस, इसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, और इफ़ द लेबल स्टेट इट इज़ स्टराइल सॉल्यूशन दैट इट शुड बी कम्प्लाई द स्टेरिलिटी, मतलब कि अगर लेबल पे लिखा हुआ है कि ये स्टराइल सॉल्यूशन है तो टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी जो है वो कम्प्लाई करनी चाहिए, मीन्स वो पास करनी चाहिए। थर्ड जो प्रिपरेशन होती है वो सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन आता है, जिसमें कि हाइपरटोनिक मतलब कि सोडियम क्लोराइड की कंटेंट को, मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या है कि 1.6% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जिसका पीएच 5 to 7.5 होता है। कंपोजिशन क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड 16 ग्राम प्रेजेंट होगा, और वाटर फॉर इंजेक्शन उसमें ऐड करेंगे टू प्रोड्यूस 1000 ml। फोर्थ प्रिपरेशन है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, इट इज़ ए स्टराइल आइसोटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आता है, क्योंकि इंजेक्शन हम IV देते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को, तो ये स्टराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पैथोजन होना चाहिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए। आइसोटोनिक मीन्स ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है सेम होना चाहिए एज ब्लड के। ये स्टराइल आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जिसको कि हम वाटर फॉर इंजेक्शन में बनाते हैं, और इट कंटेन नॉट लेस देन 0.85% एंड नॉट मोर देन 0.95% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। और थर्ड थिंग इज दैट इट कंटेन्स नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इसमें कोई भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नहीं ऐड करेंगे। कंपोजिशन क्या होती है, सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम हम यूज़ करते हैं, और वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजॉल्व करते हैं 1000 ml में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जो प्रिस्क्राइब्ड अबव इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो क्वांटिटी दी हुई है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको सोडियम क्लोराइड को वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर फिल्टर करते हैं
और इमिडिएटली तुरंत ही स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, हीट करते हैं ऑटोक्लेव पे, और बाय फिल्ट्रेशन या हम फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशन होगा। स्टोरेज कंडीशन मतलब कैसे इसको स्टोर करेंगे, तो ये सिंगल डोज कंटेनर में आता है, मतलब कि एक ही बार हम इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, तो सिंगल डोज कंटेनर में आएगा। ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर हम यूज़ करते हैं। यूजर्स की बात करें तो इट इज़ यूज एलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर सॉल्ट और ग्लूकोज व्हेन बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिप्लीटेड। सो इसका हम इंजेक्ट मतलब कि या तो हम इसको अकेले दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं दूसरे सॉल्ट के या ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन के साथ, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तब। इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिपल्शर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए तो यूज़ ही होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। जो सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, इसमें फर्स्ट ये भी स्टराइल सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज का इन वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको भी हम आईवी इंजेक्ट करते हैं। सो सोडियम क्लोराइड या डेक्सट्रोज और डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन मिक्सचर होता है, और जिसको कि हम प्रिपेयर करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन में। इट कंटेन्स नॉट लेस देन 95% एंड नॉट मोर देन 105% ऑफ स्टेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज। तो जब भी हम प्रिपरेशन बनाएंगे तो उसमें 95% से कम सोडियम क्लोराइड या डेक्सट्रोज नहीं होना चाहिए एंड 105% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द कैलकुलेटेड क्वांटिटीज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। सो यहाँ पे हम प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करेंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज को डिजॉल्व करेंगे और फाइनली स्टरलाइज करेंगे तुरंत ही बाय ऑटोक्लेव और फिल्ट्रेशन के थ्रू। प्रॉपर्टीज़, ये भी क्लियर और कलरलेस सोल्यूशन होगा। स्टोरेज एंड लेबलिंग, ये भी जो सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज मिक्सचर का इंजेक्शन आता है ये भी सिंगल डोज कंटेनर में आता है, इसको कूल प्लेस पे रखा जाता है। द लेबल शुड स्टेट द स्ट्रेंथ, जो भी लेबलिंग की जाएगी कंटेनर के ऊपर उस पर स्ट्रेंथ लिखी होनी चाहिए, मतलब कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज का कंसंट्रेशन लिखा होना चाहिए। और अगर इस सॉल्यूशन का हम आईवी यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंट्रावेनस यूज़ कर रहे हैं, सो इसमें अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का भी कंसंट्रेशन दिया होना चाहिए। अब यूजर्स की बात करें तो फ्लूइड न्यूट्रिएंट या इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज मैनिटॉल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। अब मैनिटॉल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन भी स्टराइल सॉल्यूशन होता है, और सोडियम क्लोराइड और मैनिटॉल का मिक्सचर होता है इन वेरियस प्रोपोर्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में आता है, जैसे कि 5-10% मैनिटॉल विद 0.3% NaCl या 15-20% मैनिटॉल विद 0.45% NaCl। यूज़ इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शर कम डायूरेटिक्स, सो इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शर का भी काम करता है और साथ साथ में डायूरेटिक्स का भी काम करता है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम। जब भी पोटेशियम आयन की कमी होगी सो उसके लिए हम पोटेशियम क्लोराइड के प्रिपरेशन का यूज़ करेंगे। अब पोटेशियम क्लोराइड का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है दैट इज़ KCl, मॉलिकुलर वेट 74.55 ग्राम पर मोल। सो सिनोनिम्स इज कैलीक्लोरिडम, और नेचुरल सोर्स है पोटेशियम क्लोराइड का साइल्बिन एंड कार्नालाइट, दोनों ही मिनरल्स होते हैं जिनके थ्रू पोटेशियम क्लोराइड हमको मिलता है। स्टैंडर्ड की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड कंटेन नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं नेचुरल सोर्स का कार्नालाइट, जो मिनरल होता है उसका हम यूज़ करते हैं। कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। ये रॉ सॉल्ट होता है, सबसे पहले इसको ग्राउंड करते हैं, मींस इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं हॉट वाटर के साथ। तो हॉट वाटर में
हॉट वाटर से जब ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो KCl उसमें डिसॉल्व हो जाता है, बट जैसे जैसे वाटर कूल होता है KCl क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में दिखने लगता है। अब ये प्रोसेस हम कई बार रिपीट करते हैं ताकि प्रॉपर हमको KCl लार्ज अमाउंट में मिल जाए। लेबोरेटरी स्केल में पोटेशियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, तो हमको 2KCl मिल रहा है, प्लस वाटर भी मिल रहा है वैसे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट अकर्स एज कलरलेस प्रिज्मेटिक और क्यूबिकल क्रिस्टल्स। सो जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो कलरलेस होता है, उसका क्रिस्टल्स जो होता है वो प्रिज्मेटिक, जैसे प्रिज्म होता है उस तरीके से, या क्यूब के फॉर्म में क्रिस्टल्स हमको दिखाई पड़ते हैं। वाइट ग्रैनुलर पाउडर, या जब उसको ग्रैनुल्स के फॉर्म में करते हैं तो वाइट पाउडर्स के फॉर्म में हमको दिखता है। ये सॉल्ट जो होता है ये ओडरलेस होता है, कोई ओडर नहीं होता है इसका, और स्लाइन टेस्ट होता है, मीन्स साल्टी टेस्ट होता है, और सॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल और ईथर में। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 772 डिग्री सेल्सियस होता है, और 10% एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है अगर हम लिटमस पेपर से चेक करें तो। यूजर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स की जब कमी होती है बॉडी में तो इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाइंड यूज्ड इन हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया जब पोटेशियम आयंस की कमी हो जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं, या हाइपोक्लोरीमिया क्लोराइड आयंस की कमी हो जाती है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग डायरिया या वोमिटिंग, जब प्रोलॉन्ग डायरिया या वोमिटिंग होता है तो उसकी वजह से जो हाइपोकैलीमिया या हाइपोक्लोरीमिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। समटाइम्स यूज एज डायूरेटिक्स ऑल्सो, डायूरेटिक्स की तरह भी इसका हम कुछ कभी कभी यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर एज एन एंटीडोट इन द डिजिटेलिस पॉइजनिंग, डिजिटेलिस एक दवाई होती है जिसकी जब अगर पॉइजनिंग हो जाती है हाई डोज में अगर हमने ले लिया, तो जब उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ है पोटेशियम क्लोराइड हैज़ अ इंग्रेडिएंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन के साथ भी इसका यूज़ करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। रिंगल सोल्यूशन का भी ये एक इंग्रेडिएंट है, और ORS सॉल्ट जो आता है उसका भी ये एक इंग्रेडिएंट है। स्टोरेज की बात करें तो टाइटली क्लोज कंटेनर का यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। अब मार्केटेड प्रोडक्ट, जो भी मार्केटेड प्रोडक्ट आते हैं पोटेशियम क्लोराइड के, वो है कि पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड IV इन्फ्यूज़न। तो जो पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड IV इन्फ्यूज़न आता है, तो ये क्या होता है, इट इज़ स्टराइल सोल्यूशन कंटेनिंग 95% to 105% ऑफ स्टेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सो जो भी ये प्रिपरेशन होगा उसमें 95% से कम और 105% से ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होगा, जो स्टेटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड इन वाटर फॉर इंजेक्शन, जो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का IV इन्फ्यूज़न होता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन में हम उसको बनाते हैं, उसके बाद स्टरलाइज करते हैं बाय हीटिंग इन ऑटोक्लेव। अब ये डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन में आता है, सच एस 0.15, 0.20 और 0.30% KCl प्रेजेंट होगा, ईच कंटेनिंग 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, जो कि 500 या 1000 ml कंटेनर्स में आता है। सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज IV इन्फ्यूज़न, इसमें ये भी स्टराइल सोल्यूशन होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। KCl जो है कंटेनिंग KCl 95% to 105% एंड स्टेटेड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम क्लोराइड, जो भी प्रिपरेशन हम बनाएंगे उसमें 95% से कम और 105% से ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड या ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब यूजली ये भी अलग अलग कंसनट्रेशंस में आता है, जैसे कि 0.15
या 0.2 या 0.3% ऑफ KCl ईच कंटेनिंग 5% ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इन 500 और 1000 ml कंटेनर्स में. सो या तो 0.15% वेट बाय वॉल्यूम के सी एल में को हम बनाएंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज के साथ, और उसके बाद फिर वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करेंगे उसमें या तो 500 ml तक या 1000 ml तक. थर्ड प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज तीनों ही एक साथ रहता है, मिक्सचर सॉल्यूशन रहता है, और ये भी आईवी इन्फ्यूज़न होता है, इंट्रावेनस हम इसको यूज़ करते हैं, और ये भी स्टराइल सॉल्यूशन होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन में बनाते हैं. KCl 0.3% प्रेजेंट रहता है, NaCl 0.18% और ग्लूकोज 40%. लास्ट वन इज इफर्विसेंट पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट. सो पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट्स भी प्रिपेयर करते हैं. तो पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट 600 mg में मार्केट में अवेलेबल है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट 400 mg में मार्केट में अवेलेबल है. अब पोटेशियम क्लोराइड जो टैबलेट होती है वो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है. नेक्स्ट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. सो कैल्शियम आयंस की जब बॉडी में कमी होती है या बॉडी फ्लूड में कमी होती है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट के प्रिपरेशंस का यूज़ करते हैं. अब कैल्शियम ग्लूकोनेट का मॉलिकुलर फार्मूला होता है C12H22O14Ca.H2O. मॉलिकुलर वेट होता है 448.40. सिनोनिम्स इसको कैल्शियम डी ग्लूकोनेट या ग्लूकोनिक एसिड या कैल्शियम सॉल्ट भी बोलते हैं स्टैंडर्ड में, कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो भी प्रिपरेशन होगी कंटेन नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 102% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए हम ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं. हम ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट को बॉयल करते हैं, और उसके बाद फिर जो भी सॉल्यूशन आता है उसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. सो ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलके कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में निकल आता है. सो उसको हम फिल्टर करते हैं, उसके बाद फिर जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कंसनट्रेट करते हैं. जैसे हम कंसनट्रेट करेंगे तो वो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखने लगेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में ये क्रिस्टलाइन वाइट टेस्टलेस और ओडरलेस पाउडर होता है, ग्रैनुलर पाउडर के फॉर्म में रहता है. उसके बाद फिर स्टेबल होता है एयर में, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, बट अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा. सॉल्युबल होता है वाटर में और मोर सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में, मतलब कि वाटर में तो सॉल्युबल होगा ही बट ज़्यादा सॉल्युबल होगा बॉइलिंग वाटर का अगर हम यूज़ करें. बट इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल और अदर सॉल्वेंट्स में, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है. यूजेस की बात करें तो कैल्शियम रिपल्शन, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट टैबलेट्स या जो भी इंजेक्शंस आते हैं उनका यूज़ करते हैं. इट्स इंजेक्शन इज फाउंड यूजफुल इन अर्टिकेरिया एंड ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट. सो जब भी अर्टिकेरिया होगा, अर्टिकेरिया मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है किसी फूड या मेडिकेशन के द्वारा, जब एलर्जी हो जाती है तो स्किन पे इचिंग या स्वेलिंग रेडनेस, तो एलर्जिक रिएक्शन होती है. सो उसी को हम अर्टिकेरिया बोलते हैं. सो अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट के लिए या ब्लैक विडो स्पाइडर, एक स्पाइडर होती है ब्लैक विडो, सो वो जब काट लेती है, बाइट कर लेती है, सो उसकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यूज़ है कि टैबलेट इज़ आल्सो फाइंड यूज इन सप्लीमेंट फॉर कन्वल्जेंट, जो भी जब कन्वल्जन की हम दवाइयाँ देते हैं तो उसके साथ साथ एज ए सप्लीमेंट हम कैल्शियम ग्लूकोनेट भी यूज़ करते हैं, या जो प्रेगनेंट वुमेंस होती हैं उनको भी कैल्शियम ग्लूकोनेट की टैबलेट्स दी जाती है. अब मार्केटेड प्रोडक्ट की बात करें, सो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन आता है, स्टराइल सॉल्यूशन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को वाटर फॉर इंजेक्शन में मिक्स करते हैं, हम उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को स्टराइल करते हैं. द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट मस्ट बी बिटवीन, और जो भी इंजेक्शन होगा उसमें अमाउंट क्या होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट की, 8.5 to 9.4 वेट बाय वॉल्यूम.
सॉल्यूशन होगा। कैल्शियम डी सेक्रेट भी हम उसमें ऐड करते हैं टू स्टेबलाइज विच आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो इस सॉल्यूशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट और वाटर फॉर इंजेक्शन के सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में कैल्शियम डी सेक्रेट भी हम ऐड करते हैं जो कि एज ए स्टेबलाइजर वर्क करता है। ये प्रिवेंट करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रेसिपिटेट होने में। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट टैबलेट्स। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है टैबलेट्स के फॉर्म में भी आती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ की, जिसमें कि 0.325 ग्राम, 5 ग्राम और 0.65 ग्राम और 1 ग्राम में कैल्शियम ग्लूकोनेट की टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में।